ज द लास्ट मैन स्टैंडिंग और इसीलिए आप देखोगे शाहरुख ने अभी भी आमिर खान की तरह माफी आफी नहीं मांगी है क्लैरिफिकेशन वेरिफिकेशन नहीं दिया है वो उसने अभी भी जाकर स्टेज पे बोला की बॉस

नहीं दिखते हैं ये गेरवा बिकनी पहने की जरूरत क्या थी और वो भी गाने का नाम जब बेशरम रंग है आई मीन अगर मैं होता तो आई वु यूर वॉकिंग

पोलराइजेशन देयर इज यूनिपोलैरिटी आप सोचो आज के डेट में लोग कहते हैं कि जाने भी दो यारो जैसी पिक्चर आज इंडिया में बन नहीं सकती है जबकि जाने भी दो यारो उस समय बनाई गई थी जब ज्यादा कंट्रोल हुआ करता था पिक्चरों पर लेकिन आज हमें जाने भी दो यारो की अगर महाभारत की सीन अगर आज चला तो कि तो दंगे हो जाएंगे लास्ट का जो क्लाइमेक्स सीन है आकाश वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा कैसे हैं आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ठीक. थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर. आकाश, की बहुत बहुत अरसे से होती रहती है, uh, uh, है अक्सर एक, एक, uh, आपके लिए भी है uh, लेकिन ये जो पठान के साथ में हो रहा है और जिस तरीके से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है आपको hmm. तो क्या लगता है बॉलीवुड एक्सपर्ट आई एम मोर ऑफ द सोशल एंड पोलिटिकल कॉमेंटेटर और मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा कि जिस तरीके से बॉलीवुड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है आप सुशांत सिंह का एग्जाम्पल ले लो तीन महीने चला था कम से कम हमारे देश में आप आर्यन खान का केस ले लो कम से कम दो महीने चला था हमारे देश में कुछ हुआ नहीं दोनों केसेस में आज तक सीबीआई उसके रिपोर्ट में बैठी हुई है आर्यन खान को बायस दत्बरी कर दिया गया और आप देखो एक महीने तक चला कम से कम ब्रह्मास्त्र का केस और उसमें भी कुछ नहीं हुआ और मेरा मानना है कि एक मीडियाकर मूवी थी वो बहुत बखेड़ा खड़ा हुआ उसी के वजह से उसको कम से कम उसने 400 करोड़ का बिजनेस तो कर लिया अपना कॉस्ट तो रिकवर कर लिया व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट पठान आई रियलाइज इज कि उन्होंने धर्म का अपमान मान के बिकनी कलर गेरुआ मान के एक घेरने की कोशिश तो जरूर की थी बट आई हैव नेवर सीन एक पूरी कंट्रोवर्सी इतनी जल्दी कोलैप्स कर जाए इट जस्ट

So तो स्मृतिजर्स है जो ट्रोलर है उनको कहीं ना कहीं लगने लगा यार हम तो किसी चीज को भी आउटरेज बना सकते हैं सो so ये हमने एक सीन बना दिया जब लोगों ने पिक्चर जब गाना देखा तो गाने में तो बिकनी बस

बहुत जल्दी जो टाइमलाइन होती है उससे बहुत जल्दी डिसिपेट करने लगा लेकिन आप आप, आप कैसे इसको आप देखते हैं कि दैट जिस तरीके से जिस तरीके से अपील्स की जा रही हैं कि दैट पठान को आप मत देखिए शाहरुख खान के बारे में जिस तरीके की बातें हो रही हैं एक एक आई थिंक एक, एक वीडियो भी सामने आ रहा है उसमें दीपिका पादुकोण को उसमें एक कोई साहब है वो कह रहे हैं कि वो वो मोमडन है उनके फादर भी सो so, मतलब आई थिंक All this, is, uh, all this is like uh, taking ridiculous to the next level. And these so, are the same guys who go to, US, to Qatar and uh, at, the, at, the, at the big stage of, of FIFA World Cup. And the world is watching them and applauding them. So, um, you know, we come from a generation. I come from a generation where Shahrokh Khan was Shahrokh Khan, Amir Khan was Amir Khan, Akshay was just Akshay. And today, Akshay is branded as a Canadian, Shahrokh Khan is branded as a Muslim. एंड वी हैव स्टार्ट गिविंग रिजनेलिटीज एंड to stars um both sides. This is not good for India. This is being done so that मेरा ये अभी भी मानना है इसको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो सिस्टम है उसको ये बात मंजूर नहीं है ये बात महागंवा है कि एक शाहरुख खान एक आमिर खान एक सलमान खान आज भी बॉलीवुड पे और लोगों के दिलों पे राज करता है

सिस्टम को क्रिटिसाइज ना करना और जो कि बॉलीवुड के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि बॉलीवुड बोलता नहीं है बॉलीवुड स्टैंड अप और हम अपनी well, कभी कभी हॉलीवुड से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं वो तो खैर बहुत दूर की बात है बट द फैक्ट इज दैट अब सिचुएशन इंडिया में ऐसी आ चुकी है कि साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल इट हैज टू बी कंप्लायंस इट हैज टू बी चर लीडिंग अगर आप चीयर लीडर नहीं हो तो आप हमारे अगेंस्ट हो ये नहीं कि आप चुप हो तो आप हमारे अगेंस्ट हो

हमारे लोगों के जहन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और अगर आपने वही टैब बंद कर दियाऑफ सेक्यूलरिज्म तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट है ऑफ वन ऑफ डोमिनेशन ऑफ वन तो वो काफी सक्सेसफुल हो जाएगा सो so, मेरे ख्याल से पठान अगर बॉयकॉट नहीं होता तो बड़े हैरानी की बात होती पठान बॉयकॉट हुआ है फर्स्ट राउंड

problem aapko hai ki deepika dare to go to jnu and stand in solidarity with the students there and hell will have to pay for it for having dared to do that so these are very clear things that the system is saying is that if you dare to go against us we will catch you at the right opportune moment and they also know yaar what is the best place to hit somebody just before the movie releases as of now i can report happily to you is that at least

काफी करेज स्पीच है हुँ. तो लोग ये भी कहेंगे कि कोई इतना उन्होंने पॉइंटेडली कुछ भी नहीं कहा है लेकिन मे भी शायद माहौल इस तरीके का है कि उसमें ये भी बोलना एक बहुत बड़ी बात थी सोशल uh, मीडिया के बारे में उन्होंने जिस तरीके से बात करी है वो एक आई थिंक uh, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी आपकी पहले भी बात हुई है बहुत बार ये जो uh, जो एक uh, रुझान और एक जो एक परसेप्शन uh, क्रिएट करने की कोशिश होती है सोशल मीडिया पर मे भी शायद वो ऑर्गेनिक नहीं होता है वो एक, एक, एक कुछ बनाया जाता है Uh, ये जो जो शाहरुख खान की जो स्टेटमेंट है कंसिडरिंग की ग्लोबल स्टार आपको क्या लगता है कि ये ये बहुत बड़े लेवल पे ये चीज नोटिस की जाएगी सोशल मीडिया इज बीइंग टैकल्ड अमिताभ बच्चन शाहरुख खान एक स्टेज पे आकर दो बोलते हैं जबकि अमिताभ बच्चन ने बहुत ही एक माइनर चीज बोली थी कि हाँ तब भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदी लगती थी अब भी पाबंदी लगती है तो आई थिंक दैट वॉज अ वेरी टोन डाउन बैलेंस्ड मैसेज शाहरुख खान वॉज अ लिटिल बिट मोर अप फ्रंट सोशल मीडिया पे लोगों की सोच बहुत नैरो माइंडेड हो चुकी है एंड दैट वॉज अ लिटिल बिटमोर असर्टिव स्पीच बट माई प्रॉब्लम और बॉलीवुड के साथ मेरी प्रॉब्लम है मैं आप जब पहले पहले भी आपके साथ मैंने मैंने बात किया मैंने ये बताया है कि अगर यही चीजें शायद साल पहले बोली होती तो आज ये सिचुएशन नहीं होता आई एम हंड्रेड एंड ट्वेंटी परसेंट श्योर दैट बॉलीवुड ने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि थोड़ा सा चुप हो जाओ माहौल अपने आप ठीक हो जाएगा पंगे मत लो सब ठीक रहेगा तुम चुपचाप पिक्चर बनाओ पैसे कमाओ जो तुम्हारे फैंडम है वो तो तुम्हारे साथ है दे फॉर गॉट वॉट दे आर डीलिंग विथ

मैं ये हंड्रेड एंड ट्वेंटी परसेंट श्योर हूं शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन अच्छे से जानते होंगे कि ये मैं कह रहा हूं इसका मुझे खामियाजा होगा इसका मुझे हरजाना भरना पड़ेगा क्योंकि अमिताभ बच्चन पहले पेट्रोल को लेकर इतना सारा जोक करते थे ट्वीट करते थे आजकल देखिए सिर्फ इंस्पिरेशनल ट्वीट ही रहती है लेकिन माई अगेन इशू इज शाहरुख खान ने बोला अमिताभ बच्चन ने बोला टू ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स बॉलीवुड ने बाकी कहां बोला कहां एको आपको दिखा किसने हु ऑल रोज इन सपोर्ट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सेल्फिशनेस ऑफ बॉलीवुड क्या बॉलीवुड सच्ची में इतना बटा हुआ है कि आपके दो सबसे बड़े स्टार्स इतने लेट जाकर चलो थोड़ा उठते हैं दो लाइन बोलते हैं तब भी आपकी इतनी वाट लगी हुई है बिगेस्टार्स राइज टू रियालिटी देन यू डोंट एको देंटीमेंट अगर बॉलीवुड एक साथ उठकर ये आवाज उठाए तो मेरे ख्याल से पीछे पीपल विल बैक डाउन आई थिंक टॉलीवुड के साथ एंड सदर मूवीज के साथ शायद अभी भी ये नहीं हो पाया बिकॉज देर इज मोर यूनिटी देर इज मोर कनेक्ट ग्राउंड एंड इज वाई देव बी साइलेंस टू एम रॉन्ग बट इट्स बट इट विल मीन नथिंग अनलेसिल अदर्स ऑल्सो मैंने कुछ दिनों पहले अर्जुन कपूर का एक इंटरव्यू किया था जो कि बहुत ज्यादा hmm. लोगों ने शेयर किया और उसमें उन्ने, उन्ने यही कहा था कि वो अपनी ऑडियंस को बहुत वैल्यू करते हैं और उनको एक uh, एक आर्मी के ऑफिसर उनको मिले और उन्होंने उनकी फिल्मों को आइडेंटिफाई किया वो सारा दौर था जब बॉलीवुड uh, को बहुत टारगेट किया जा रहा था एंड ही इन इन बिट ऑफ डिप्रेशन एंड अपने उनकी सेल्फ स्टीम को लेकर वो थोड़ा सा डाउटफुल थे बट द वे दैट आर्मी ऑफिसर प्रेज हिज वर्क ऑफ कॉन्फिडेंस एंडलाइज दे फॉलो माई वर्क लेकिन hmm. उस इंटरव्यू को जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया और कि वो ऑडियंस के बारे में ऐसा कह रहे था लेकिन अर्जुन से भी मेरी यही बात हुई थी अर्जुन ने भी यही कह रहे थे कि अगर तीन चार फिल्में चल जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये आपको लगता है कि कुछ हद तक ये थॉट प्रोसेस है ठीक like you know, um, uh, hmm. होने से क्या आपको लगता है ठीक हो जाएगा टेलिटी uh, really, really uh, uh, you know, तो हो गई जो बहुत सारे कांग्रेस बाई द वे मैं सीरियसली बोल रहा हूँ ये मुझे बोला गया है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यह भी कि अरे ठीक है उनको करने दो फिर तो आएंगे ही लोग हमारे पास दिस इज अ पोलिटिकल मेंटेलिटी हमारे देश में ये चलता है पिंग पोंग और बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां ये पिंग पोंग राजस्थान पिंग पोंग हिमाचल प्रदेश पिंग पोंग लेकिन बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां इसको भी तोड़ा जा रहा है इस पिंग पोंग कल्चर को भी तोड़ा जा रहा है बिकॉज द बीजेपी से क्यों पिंग पोंग करने दे हम और और कोई भी गवर्नमेंट क्यों करने दे एज मैटर ऑफ फैक्ट कांग्रेस पार्टी ने भी एक टाइम पे फोर्टी ईयर्स थर्टी ईयर्स रूल किया था

The reputational damage has already been done. Bollywood is not understanding that there is a reputational damage that is being done. shushant was an example. Why do you think Kangna worked? And I agree with Kangna, as a matter of fact, after being one of her most bitter critics, is that jo nepotism wala sawa uthaya gaya tha, shushant ki death pair wo valid tha.

इस मामले में लॉजिक नहीं होता है लोगों की जब भावनाओं की बात होती है तो लॉजिक नहीं होता है आप उसको लॉजिकली नहीं डील कर सकते हो लेकिन ये सिस्टम के, के साइड में है वो ऐसी पिक्चरें बनाएंगे जो धर्म को बचा रहे हैं जो सिस्टम को बचा रहे हैं सो इट इज अनेशनल शिफ्ट और ये तीन चार पिक्चरें ठीक नहीं करेंगी आप मुझसे लिखित में ले लीजिए हाँ अगर बॉलीवुड

Hmm. तेलंगाना आंध्र प्रदेश में अट्ठाईस इंडिया मेंंडिलनाडु मेंस गुड कंट्रोल पायरेसी पता होता है सात आठ हफ्ते चलेंगी एंड देसिंग नॉट लूजिंग बॉलीवुड में बिग चंक ऑफ मनी इज बी लॉस टू पायरेसी मे बी नथिंग डन अबाउट द होल थिंग एंड मे बी दे आर नॉट टॉकिंग इनफ अबाउट अबाउट वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल पायरेसी मैं एक और चीज आपके सामने रखना चाहूंगा कि अभी अब अवतार टू रिलीज होने से पहले ओपनिंग होती है इंडिया में वन मिलियन डॉलर दस दिन पहले वन मिलियन डॉलर का ओपनिंग बात होती है चाइना में बाईस मिलियन का होता है इंडिया में एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड स्क्रीन है चाइना में एटी टू थाउजेंड स्क्रीन है सो so, जब ओवरऑल बिजनेस की बात होती है वर्ल्ड की बिजनेस की बात होती है तो चाइना की बिजनेस की

4D में पचास दिन बाद जाकर वो और वो भी नोएडा के एक थिएटर हॉल में चल रही थी पचास दिन बाद वो वॉज और जब मैं गया था हॉल पूरी भरी हुई थी okay, I agree, it was a, it was like वो दिन में चार चार शोज दिखा रहे होंगे दिन बाद जाकर भी हॉल फुल मिल रहा है थिएट्रिकल एक्सपीरियंस the आप 400 करोड़ की पिक्चर बना के बोलते हो कि ब्रह्मास्त्र इज द अल्टीमेट मूवी दैट बॉलीवुड विद क्योंकि आपने आतिशबाजी की है उस पिक्चर में उसमें ऐसा कोई स्टनिंग ग्राफिक्स नहीं है डायलॉग तो छोड़ी छोड़ ही दो शिवा छोड़कर और कोई डायलॉग नहीं है तो आई थिंक पीपल रियली नीड टू फील कंपेल्ड एंड आर 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 इज अ वेरी गुड एक्साम्पल और मैं बोलता हूं कि बेंचमार्क जो सेट हो गया आर आर को उसको मैच करने में बहुत प्रॉब्लम होगी आई एग्री विथ ऑल दीज लॉजिस्टिकल इशूज बट टेल मी वेर इज दैट ब्रेथ टेकिंग मूवी वेर इज दैट One thing that propels me to go to the cinemas also. I think Bollywood is falling into that whole disinterested phase where people are saying, hai. And of course, there is the whole OTT uh, thing. And I, I, I really think that the entire movie industry should come together and say that six in uh, OTT. Mein. I think that plays a major role. Also, people are saving money. There is a crisis. and and they 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 will only only spend their money only when they really think that they need to go to to go see it. there has to be very very compelling proposition. Uh, and also one one very quick point. है, है. तो आपकी कॉस्ट रिकवरी को और आसान कर देंगे वो भेजा फ्राई वाले पिक्चर कहां चले गए अब वेडनेसडे टाइप पिक्चर कहां चले गए मुझे वो वाले रिस्की सोशली कनेक्टेड मूवीज बॉलीवुड में नहीं दिखते हैं उतना और आप नहीं तो करोगे तो इतना बड़ा स्टार लगा दोगे अमिताभ बच्चन लगा दोगे अक्षय लगा दोगे पूरा पूरा आकाश अली अब उन्होंने कुछ दिनों पहले मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस करना चाहिए और अगर लोगों को लोगों की भावनाएं अगर आहत हो रही हैं तो हमें उसका हमें उसको सीरियसली उसको हमें कंसिडर करना चाहिए And he said कि जोगी बनाते टाइम पर he was very careful about the fact that he should not be upsetting um, anyone's sentiments per se. Um, your views on self censorship? So uh, this is a very tricky slope. I'll tell you why. तांडव में इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, सीरीज कैंसिल हो गया, उसके एफआईआर के केसेस अभी भी चल रहे हैं कोर्ट में, that's not over. And all of that happened because of that one scene. जो स्टेज में प्ले हो रहा है कॉलेज में एक प्ले हो रहा है एंड हाउ गॉड शिवा डिपिक्टेड इन दैट इट टेक्निकली वन सीन नाउ द इज सीन दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी वो 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 स्टोरी लाइन में कहीं था ही नहीं तो कुछ लोगों ने कहा कि यार तो आपने ऐसे ही जबरदस्ती इंसल्ट करने के लिए लगा दिया इट हैड नो रेलिवेंस व्हाट्स विदोरी लाइन इन द सेम वे यू कैन से यार बिकनी, दीपिका को ये गेरवा बिकनी पहनने की जरूरत क्या थी और वो भी गाने का नाम जब बेशरंग है रंग है। आई I मीन mean, अगर मैं सेट्स पे होता इतने महंगी महंगी पिक्चर बना रहे इतने एडवाइजर्स तो होंगे तो आई तो यू आर वॉकिंग्रैपिल इट वॉज थॉट पब्लिसिटी फ्री में मिल जाएगी बट द थिंग इज आप जितना भी केयरफुल हो लो आप कहीं ना कहीं तो सेंटिमेंट इफेक्ट कर ही दोगे क्योंकि जब मैं बैठा हूं मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट करवाने के लिए जब मैं बैठा हूं कि पिक्चर में खूत निकालने के लिए तो आप बच नहीं सकते हो सो वाइल्ड रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफकोर्स हैव टू बी रिस्पेक्टेड नो रिलीजन शुड बी ओपन टू मॉकिंग लेकिन अगेन पिक्चर्स लाइक द विंची कोड बेसिकली क्वेश्चन द बेसिक टेनेंट्स ऑफ क्रिस्टैनिटी ऑपोजिशन हुआ था लेकिन किसी को मारा नहीं गया था किसी को जलाया नहीं गया था कहीं पिक्चर रोकी नहीं गई थी पिक्चर चली थी एटलीस्ट सिविलाइज वर्ल्ड में तो चली थी तो रिलीजन इज अ वेरी सेंसिटिव इशू पीपल आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट बिकॉज देर इज अ रीअवेकनिंग रीअंडरस्टैंडिंग रियलाइजेशन और उसके ऊपर आपने एक और परत चढ़ा के रखी है कि देर आर पीपल स्पेसिफिकली इन बॉलीवुड हु आर आउट टू इंसल्ट योर रिलीजन

एंड उसमें बहुत बड़ा हाथ बॉलीवुड का था आज आप बॉलीवुड का हाथ काट के बोल रहे हो हाउ डू वी बिकम अ सॉफ्ट पावर राइट आकाश अभी आपने कहा कि दैट uh, मैं बैठा हूं uh, मेरी मेरी भावनाओं का आहत करने के लिए तो so, आप देशभक्त की बात कर रहे

ई थिंक बिकॉज अदर थिंग्स हैवेंट वर्कड मेक इन इंडिया शाइन इन इंडिया स्टैंड अप इन इंडिया पहले हम स्टैंड अप इन इंडिया बहुत कर रहे थे जब वैल्युएशन बढ़ रही थी कंपनीज uh, की यूनिकॉर्न बन रही थी वो भी नहीं बन रही है द पोलिटिकल क्लास इन एनी कंट्री अमेरिका में इट इज अबाउट जेनोफोबिया इट इज अबाउट इमिग्रेंट्स टेकिंग अवे जॉब्स एनी पोलिटिकल क्लास नीड्स डाइवर्जन और जब आपके पास कुछ अच्छा बात करने के लिए नहीं है तो डाइवर्जन आपके पास यही है कि हम खतरे में हैं और बॉलीवुड हैज बीन मेड इनटू दिस दैट दैट इज इज थॉट्स क्या बोला गया बिकनी के बारे में ये गंदे लोगों की सोच के वजह से नरोत्तम मिश्रा ने होम मिनिस्टर ऑफ मैंने ये कोई छोटा मोटा लीडर की बात नहीं कर रहे हैं हम होम मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं वेरी प्रोमिनेंट लीडर कि गंदे सोच के लोगों ने इस इसको बनाया है इस गाने को और अगर ये सीन को नहीं बदला गया तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा हम हो सकता है पिक्चर को बैन कर देंगे Does the Home Minister of a country have a Home Minister of a state have nothing else to do, which also reports one of the highest rape cases

ऐसी फिल्में बन रही हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मे बी सेल्फ सेंसरशिप है या फिर बहुत ज़्यादा कुछ भी आप कर लीजिए उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक वॉकआउट का कल्चर होता है दूसरी तरफ इस तरीके की फिल्में आ रही हैं मे बी शायद जो एक सर्टन मे बी आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रही हैं या फिर मे बी सर्टन आ, सर्टन ऐसे आस्पेक्ट्स हैं जो कि शायद मे बी फैक्चुअल नहीं है शायद उनका पर्पज़ जो है कुछ हद तक एक डिस्कॉड क्रिएट करना है

सेवेंटी एम एम फॉर्मूला पिक्चर गरीब लड़का एंग्री यंग मैन वो फॉर्मूला खत्म हुआ एंड देन मल्टीप्लेक्सेस ने उसे बचाया इन द सेम वे यू टॉकिंग अबाउट मराठी पिक्चर टेल मी मराठी पिक्चर में कौन सा चार सौ करोड़ का बजट का पिक्चर बना है टेल मी मराठी पिक्चर में कौन सा ऐसा ग्रैंड डैडी होता है कि बच्चे पैदा होने के बाद फिर वहीं जाते हैं कि बेटा इसको लॉन्च कर दो तो आई थिंक वी हैव गॉट इन टू दिस होल कल्चर ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ अ रॉट इन बॉलीवुड New talent has to be definitely encouraged. Star kids want to be kids, that's absolutely okay. But there has to be some level footing. As an A, that failures are giving chance after chance, uh, they have to reconnect. They have to take risks, make low budget pictures. That's absolutely okay. But at least put your foot out there or

government control is only going to increase i can assure you of that how you get together oh yes the last point guys i mean get together sabki bari aayegi and bollywood is next in line what is this whole business of we won't speak up right uh, akash always always wonderful uh, talking to you so many perspectives thank you so much for your time thank and you that so much for I'm connecting okay, anyway. and it's always a pleasure talking to you i must tell you that there are many fans of yours here in canada and <laughs> <loved them. laughs> my hello to all of them and may you all be warm in this winter in canada thank you very much take care man thank you have a great day